अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेरियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी उबटन फेशियल, जो कि ब्राइडल्स की और आम टीनेजर्स की बहुत ज्यादा मुझे फरमाइश थी उनके ऊपर। मैं आपको सीक्रेट उबटन फेशियल बताऊंगी, जो हम लोग ब्राइडल्स को इनके सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। ब्राइडल सर्विसेज में ये कस्टमाइज ब्राइडल उबटन फेशियल मैं आपको बताने लगी हूँ। आप सैयद गनी का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए, आपने अब क्लिनजिंग से स्टार्ट करना है। आपने आधा चम्मच उबटन लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर कोई सा भी क्लींजर डाल देना है, ठीक है जी। आपने कोई सा जो आपके पास घर में अवेलेबल है क्लींजर डालना है, उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डालना है। ये कस्टमाइज क्लींजर बन रहा है, उबटन क्लींजर, ठीक है जी। ये हम लोग इस तरह से हम लोग ब्राइडल को करते हैं और आप देखिएगा इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त आता है। ये जो ब्राइडल चमक रही होती है ना, जो उन पर लाइट्स पड़ रही होती है और ग्लो आ रहा होता है येलोइश सा, वो इससे आता है कि ऐसे लगता है जैसे अंदर से सोना निकल रहा हो स्किन के अंदर से, ठीक है जी। हम इसको आप क्लींजिंग करेंगे, ये हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं, उसी वक्त भी बनाते हैं। और हम लोग कहते हैं जी हमने ये बड़ा महंगा लिया है, ये 4,000 का है, 3,000 का है, कुछ पॉलर्स पे 3,000 का होता है, कुछ पॉलर्स पे 3,500 का, 4,000 का, इस तरह से ये लोग करते हैं, ठीक है। आज मैंने ये वाला सीक्रेट भी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दिया। ये आपने इस तरह से इसको फेशियल करना है। पूरा फेशियल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि हम हिडन क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ग्लो आता है, स्किन ब्राइट होती है, व्हाइट होती है, और फ्रेकल्स और निशान और सारे डिम हो जाती है हर चीज। हम लोग हल्के हाथों से इसकी हम लोग क्लींजिंग करेंगे, जिस तरह हम लोग क्लींजिंग करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग इसको साफ कर देंगे। आपके सामने ये देखिए, हमने इसको साफ कर दिया। सारे स्टेप्स वही होंगे जो एक फेशियल के होते हैं। आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है। आप लोग घर में भी कर सकते हो ये इसी तरह से। ये देखें कितना जबरदस्त, सिर्फ क्लींजिंग के बाद ही कितना जबरदस्त इसका रिजल्ट आ गया है। मैंने लाइट्स डिम रखी हुई है ताकि आप लोगों को रिजल्ट का वाजे वाजे पता चले। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोग स्किन पॉलिश बनाने लगे हैं। ये देखिए, ब्लीच पाउडर हम लोगों ने डालना है इसके अंदर 1 चम्मच। कोई सा भी ब्लीच पाउडर आपने लेना है इसके अंदर। आपने डालना है ड्राई मिल्क, कोई सा भी ड्राई मिल्क आप ले लें, एवरीडे हो, जो भी हो। और इसके अंदर आपने डालना है उबटन थोड़ा सा, और इसके अंदर जाएगा एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा जेल डाल दें, और इसके अंदर जो पॉलिश बनी बनाई होती है ना स्किन पॉलिश, वो आपने डालनी है आधा चम्मच। ये हम एक फेस के लिए बना रहे हैं, ये आप देख लें, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। विटामिन ई का फेस कैप्सूल जाएगा, इवियन नहीं जाएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो लोग इवियन यूज़ करते हैं वो अपने रिस्क में करें, मैं रिकमेंड नहीं करती, ना ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी, ठीक है जी। इसके अंदर हम 20 वॉल्यूम डिवेलपर डालेंगे आधा चम्मच, और इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप सारी चीज़ें ये देख लो हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, या आप सेपरेट भी स्किन पॉलिश कर सकते हो, उसके अंदर बहुत ग्लोइंग रिजल्ट आता है। अच्छा, ये मैंने एम्प्योर डाल के रखा हुआ है वाइटनिंग, अब जमजम के अंदर वो मैंने थोड़ा सा छिड़का है, वो मैं हर फेशियल में छिड़कती हूँ फेशियल करते हुए, ठीक है। आप लोग भी बना लोगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और ये देखिए, हमने इसको अप्लाई कर दिया स्किन के ऊपर, सारी जगह पे हम लोग इसको अप्लाई करने आएंगे एज ए स्किन पॉलिश। और अगर आप इसको सेपरेट स्किन पॉलिश भी करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत औसम आता है। ये ब्राइडल फेशियल हो रहा है, जब आप इसको करोगे तो आप खुद आपको रिजल्ट का पता चलेगा। ये देखिए, क्योंकि हमारी बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं है, वरना मैं इसका मसाज देती, हमने 2 मिनट मसाज देना होता है ब्राइडल को, हम लोग फिर उतार देते हैं। ये देखिए, हम सिर्फ इसको लगाने के बाद ना 15 मिनट मैंने लगाए रखा है, और इसको स्प्रे करती रही हूँ और रिफ्रेश करती रही हूँ स्किन पॉलिश को, और उसके बाद मैंने इसको उतार दिया है। आप देख लो इसका रिजल्ट कितना जबरदस्त आया है, कितना ग्लोइंग में आ गया। सिर्फ हमने अभी तक क्लींजिंग की है और स्किन पॉलिश की है, अब इसका रिजल्ट आपके सामने है, ब्राइडल लुक आना शुरू हो गई है, आपको नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्रबिंग बना रहे हैं। इसके अंदर हमने उबटन डाला है, एलोवेरा डाला है, और इसके अंदर हमने पानी डाला है, ठीक है, और स्क्रब डाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी हैं, और हम अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हमने इसके अंदर चीनी डाली है, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये स्क्रब तैयार हो गया। अब ये सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर चीनी से आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि रिजल्ट किस तरह का आया है। ये थोड़े थोड़े टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो हम लोग काफ़ी सालों की मेहनत के बाद अचीव करते हैं, और आप लोगों को ये मैं बता रही हूँ। ये तकरीबन 3 से 3,500 का ब्राइडल आप लोग फेशियल कर सकते हो, जो आपके पास ब्राइडल्स आती हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट ही ब्राइडल टाइप का आता है, ग्लोइंग में आता है, इतना जैसे चमकती हुई स्किन का आता है। आप लोग घर में भी कर सकते हो, और ये फेशियल आप लोग अगर ब्राइडल को देना है तो महीने में 2 दफ़ा आप इसको दे सकते हो, और वाइटनिंग फेशियल आप उसको दे दो, जैसे अब जैसे मेहंदी है ना, उसे 2 दिन पहले दे दो,
ठीक है, इसको आपने मसाज करना है अच्छे तरीके से, सर्कुलर मोशन में, जैसे आप स्क्रबिंग करते हो, और आपने इसको फिर उतार देना है। और लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, हर चीज को आपने स्किन के ऊपर 8-8, 10-10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद आपने उतारना है, ताकि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी स्किन के अंदर चली जाए। देखिए इनका रिजल्ट किस तरह से आपके सामने आता जा रहा है, इनकी स्किन निखरती जा रही है। मैंने लाइट्स ऑफ की हुई है सिर्फ आप लोगों के लिए। अब हम लोग मसाज बनाएंगे। मसाज के अंदर हम लोग ये देखिए थोड़ा सा उबटन डालेंगे, उसके अंदर हम लोग मसाज क्रीम डालेंगे और एलोवेरा डालेंगे। सारा कुछ वैसे ही होगा, यूँ समझ लें डबल फेशियल हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए मसाज क्रीम और क्लींजिंग क्रीम स्क्रबिंग ये तो उसके अंदर जा रही है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ जा रही हैं। विटामिन ई हम लोग डालेंगे ताकि स्किन पे ग्लो आ जाए, और विटामिन सी आपने नहीं यूज़ करना जिनके पिंपल्स हों, सेंसिटिव स्किन हो वो नहीं करना। आप वाइटनिंग एम्प्यूल भी डाल सकते तो अगर विटामिन ई एसेंशियल ऑयल नहीं है तो। एसेंशियल ऑयल का रिजल्ट जबरदस्त हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, हम इसको लगा देंगे और हम लोग इसको आहिस्ते आहिस्ते सर्कुलर मोशन में इसके अंदर जो चीज भी है, ये जैसे वेट वेट है, ये सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे हम लोग मसाज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये हमने साथ और लगा लिए जो बचा हुआ था, ये सारा कुछ लगा के आपने इसको अच्छी तरह से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवा देना है, और आप इसका रिजल्ट देख लो। ये आपका जबरदस्त मसाज हो गया है, ये आपने 5 मिनट 7 मिनट छोड़ देना स्किन के ऊपर, उसके बाद आपने इसको उतारना है। अब ये देखें आपके डबल फेशियल हो रहे हैं, आपके मेडिकेटेड साथ हो रहे हैं, वाइटनिंग वाला साथ हो रहा है, और साथ आपका हर्बल उबटन फेशियल हो रहा है। इन सबको मिक्स करके देखें ये रिजल्ट कितना आपका डबल डबल आया है, इसीलिए जबरदस्त रिजल्ट आता है जब हम ब्राइडल को करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग मास्क लगाने लगे हैं, लास्ट स्टेप है। अभी देख लो, हमने थोड़ा सा उपटन लिया है, उसके अंदर हमने मास्क डाल दिए, और उसके बाद हमने इसके अंदर एलोवेरा डाल दिया है थोड़ा सा। ये आप सारी चीजें नोट करते जाएं, और हम इसके अंदर वाइटनिंग इम्प्यूल्स डालेंगे। एक इम्प्यूल, आधा इम्प्यूल डाल देंगे, आधा हम बाद में डालेंगे, आपकी मर्जी है। विटामिन ई का कैप्सूल डाल दो और इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल जाएगा। जहां पर वाइटनिंग कैप्सूल इंडिया वगैरह में नहीं मिलता, वो वाइटनिंग इम्प्यूल किसी भी कंपनी का लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पॉलर में है, वाइटनिंग कैप्सूल्स आज यूज करते हैं, ताकि ब्राइडल होती है ना, फिर रिजल्ट उसका डबल ट्रिपल हो जाता है, और 1.5-2 महीने तक रिजल्ट रहता है। ये देखिए, हम इसको मास्क की तरह से अप्लाई कर देंगे फुल फेस के ऊपर, आपको रिजल्ट इसका साथ साथ नजर आ रहा होगा। लाइट्स मैंने ऑफ की हुई, आपको पता चल रहा है। ठीक है जी, 10 मिनट लगने के बाद हम लोग हाथ को गीला करेंगे, और उसके बाद हम लोग मसाज करेंगे। ये आप देख रहे हो, हम लोग इसका मसाज कर रहे हैं। 5-7 मिनट मसाज करने के बाद हम लोग इस फेशियल को उतार देंगे। ये देखें, ये रिजल्ट आपके सामने है, ब्राइडल फेशियल का किस तरह से रिजल्ट आया है, उबटन फेशियल का कस्टमाइज उबटन फेशियल मैंने आज आप लोगों को सिखा दिया। प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिएगा, इसके थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ये जरूर कॉपी हो जाएगा और आना शुरू हो जाएगा। आ जाए जी कस्टमाइज, आपको ब्राइडल उबटन फेशियल सिखाते हैं, सीक्रेट फेशियल सिखाते हैं, तो ये सबसे पहले मैंने ही आपको बताया है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा वो किया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि हौसला अफजाई हो, एक इंसान अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और